गाइस सैनिक स्कूल की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें 10th से लेके 12th डिप्लोमा बैचलर डिग्री ग्रेजुएट वाले सभी कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हो। गाइस बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई है लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज तो कम है लेकिन डिपार्टमेंट यहाँ पे बहुत सारे रखी गई है। इसमें टीचर से लेके आप 10th क्लास तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हम सभी डिटेल बिल्कुल डिटेल में आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करेंगे। गाइस जो ये वैकेंसीज आई है सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा में वैकेंसीज आई है। गाइस जो ये वैकेंसीज आई है वैकेंसीज हरियाणा में आई है लेकिन ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट इनका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो ये वैकेंसीज है इनकी लास्ट डेट 29 अप्रैल 2023 इनकी लास्ट डेट रखी गई है। इसका फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है और फॉर्म भरने की जो फी है वो आपको 500 रुपीज़ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, आपको DD में आपको पे करने पड़ेंगे। जो DD है प्रिंसिपल ऑफ सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा के नाम से DD बनवाना है। नोटिफिकेशन में आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। गाइस अब हम बात करेंगे क्या क्या वैकेंसीज है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है। गाइस पहले हम पोस्ट की बात करेंगे। काउंसलर की वैकेंसीज आई है, TGT मैथ की वैकेंसीज आई है, TGT जनरल साइंस की वैकेंसीज आई है, आर्ट मास्टर की वैकेंसीज आई है, PTI का मटन की वैकेंसीज आई है। गाइस ये जो वैकेंसीज है फीमेल की वैकेंसीज है, हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज आई है, वार्ड बॉय की वैकेंसीज आई है जिनको हम प्योन भी बोलते हैं, और मैथ्स मैनेजर की वैकेंसीज आई है। गाइस यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट में सिंगल सिंगल वैकेंसीज है और जो ये वैकेंसीज है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसीज है लेकिन यहाँ पे वार्ड बॉय में 3 वैकेंसीज आई है, ठीक है वो आप इसके नोटिफिकेशन में देख लेना। एज की बात करेंगे, इन सभी वैकेंसीज में जो आपकी एज होनी चाहिए 21 से 35 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए लेकिन आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST से हो तो 5 साल की छूट मिलेगी, अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। गाइस यहाँ पे अगर आप हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, वार्ड बॉय के लिए अप्लाई कर रहे हो या मैथ्स मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज 18 से 50 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए तो आप इनका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की बात करेंगे, गाइस जो सैलरी है 45,000 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, ये आपकी नेट सैलरी वहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखी हुई है लेकिन यहाँ पे हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर वार्ड बॉय और मैथ्स मैनेजर की जो सैलरी है यहाँ पे अप्रोक्स 30,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। सैलरी पैकेज भी यहाँ पे अच्छा है, ऐसा नहीं यहाँ पे बेकार सैलरी है। अब हम बात करेंगे इनके क्वालिफिकेशन के लिए। गाइस अगर आप PGT मैथ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें आपकी मैथमेटिक में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और जो बैचलर डिग्री है उसमें 50% नंबर आपके होने चाहिए। और गाइस यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस एंड स्टडीज, ये यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास BEd है सिमिलर सब्जेक्ट से आप जब भी अप्लाई कर सकते हो लेकिन आपके पास CTAT एंड STAT यहाँ पे पास होना चाहिए, आप यहाँ पे जब जाके अप्लाई कर सकते हो। अब बात करेंगे TGT जनरल साइंस के बारे में, बैचलर डिग्री जनरल साइंस में है विद 50% मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हो लेकिन यहाँ पे जो बैचलर डिग्री का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी में आपकी ये डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और BEd के साथ साथ आपके पास CTAT एंड STAT सर्टिफिकेट है यानी पास्ट है आप तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब बात करेंगे आर्ट मास्टर के लिए, इसमें डिग्री अगर आपके पास आर्ट से है जो बैचलर डिग्री है नॉर्मली अगर आपने आर्ट साइड से की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 5 साल का डिप्लोमा पेंटिंग एंड ड्राइंग में है आप जब भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, और ग्राफिक्स आर्ट में है आप जब भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, मैटर नहीं करता कि आपके पास डिग्री है या नहीं है। अब बात करेंगे काउंसलर की, गाइस काउंसलर में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आप साइकोलॉजी से हो और गाइस यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट चाइल्ड डेवलपमेंट से हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। PG एंड ग्रेजुएट के साथ साथ अगर आपके पास डिप्लोमा है इन कैरियर गाइडेंस का आप जब भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। गाइस सभी वैकेंसीज में कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन तो है वो सबको पता है लेकिन जब आप नोटिफिकेशन देखोगे नीचे दिया हुआ है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मतलब आपके पास है तो ठीक है, नहीं है आप जब भी इनका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जिनके पास वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहेगा
उनको फर्स्ट प्रिफ्रेंस मिलेगा, यानी उनकी ज्वाइनिंग आपसे पहले दे दी जाएगी और आपको यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो उनको वहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करेंगे पीटीआई टीचर की, जो कि फीमेल इसमें अप्लाई कर सकती है। इसमें ग्रेजुएशन आपके पास है फिजिकल एजुकेशन से तो आप अप्लाई कर सकते हो, बीपी एड है आपके पास जब भी आप अप्लाई कर सकते हो, बैचलर ऑफ स्पोर्ट ह्यूमैनिटीज से आपके पास है या फिजिकल एजुकेशन से है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर की, 10th पास है 12th पास है ये क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर का कोर्स। अगर आपके पास ये है, आपने कहीं से लिया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, यही चीज़ मैटर करती है। अगर आप इसमें 10th पास 12th पास ये दोनों मैटर नहीं करता, ग्रेजुएशन भी है, आप जब भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हो, मैटर करता है आप कई HRI कोर्स का, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुआ। मैथ्स मैनेजर की बात करेंगे, 10th पास है तो ठीक है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है इंडिविजुअली रनिंग कैटरिंग का, अगर आपने कोई इंडिविजुअली कैटरिंग रन की है, सिविल हो या अपनी खुद की हो, प्राइवेट हो या फिर डिफेंस की हो, कैसी भी कैटरिंग का आपके पास इंडिविजुअली कोई एक्सपीरियंस लेटर है या फिर आपकी अपनी कोई है, आप उसमें मैनेजर हो या मालिक हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में ये जो काम करते हैं उनको जो हायर एजुकेशन लेके आएगा और गाइस यहाँ पे एक्सपीरियंस लेके आएगा उनको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे वार्ड बॉय के लिए, इसमें 10th पास है और गाइस इंग्लिश पढ़ना जानता है, कोई पैराग्राफ पढ़ लेता है इंग्लिश में, तो यहाँ पे उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। गाइस जैसे कि मैंने बताया ऑफलाइन आपको इसका फॉर्म डालना है, फॉर्म इनकी वेबसाइट में जाके एक फॉर्म है, फॉर्म को प्रिंट आउट करके और सभी डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी आप निकाल के, जो भी आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स है और गाइज उन पे सेल्फ अटेस्टेड करके, और आपको एक डीडी बनवाना है 500 रुपये का, जो कि इनके नोटिफिकेशन में लिखा है फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा के फेवर में आपको बनवाना है और गाइज भेज देना है। जो टाइमिंग है आपकी यानी डेट है 29 अप्रैल 2023 से पहले आपको ये सभी चीज़ भेज देनी है। ये रही पूरी डिटेल, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।